ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को इस जीवन में योग का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए अपने को खुशी और नशे में रखना परम आवश्यक होता है। हम जरा विचार करें, इस जन्म में हमने इन आँखों से क्या क्या देखा। भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा, उसको महावाक्य उच्चारण करते हुए देखा, सत्य गीता ज्ञान सुनाते देखा। देखा ही नहीं, हमने स्वयं सम्मुख बैठकर उसके द्वारा सुना, हमने उसको कर्म करते देखा, बच्चों को प्यार देते हुए देखा, आत्माओं में शक्तियां भरते हुए देखा, सबका श्रृंगार करते हुए देखा। निहाल हो गए हम, हमारी आंखें भी तृप्त हो गई इस खुशी और नशे में। हम अपने जीवन को आनंदित करें। चारों युगों में जो नहीं देखा गया, वो हमने इस अंतिम जन्म में देखा। हमें सद्विवेक प्राप्त हुआ, हमें तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम बहुत भाग्यवान हैं। इस नशे में रहने से हमारी बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्र होगी और हम योग युक्त सहज रह सकेंगे। योग युक्त वो नहीं रह पाते हैं जो सारा दिन बातों में बहुत रहते हैं। मातृशक्ति विशेष रूप से बातों में बहुत समय लगाती है। जो बातों में हैं, जहां बातें हैं, वहां बाप नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्धि उन बातों के चिंतन से भरी रहती है। उसमें स्थान ही नहीं बचता जिसमें भगवान आकर बैठे। तो जिसको योगी बनना हो, वो बातों से स्वयं को मुक्त करे। दूसरी बात, मोहममता, ये बहुत बड़ी माया संसार में छाई हुई है। इसमें सभी मनुष्य लिप्त हो गए हैं। किसी को अपने धन संपदा से आ सकती है, ममत्व है, तो किसी को मनुष्यों में, बच्चों में, पोतरों में, धोतरों में बहुत मोह पैदा हो गया है। ये मोह उन्हें सता रहा है, ये मोह उन्हें दुखी कर रहा है, ये मोह जैसे मीठा जहर बन गया है। ये ऐसी चीज बन गई है जिसको न छोड़ा जा सकता, न रखा जा सकता है, लेकिन बाबा ने इसको छुड़वाया है हमें, क्योंकि घर वापिस जाना है। मोह ममत्व लगाव झुकाव यहीं छोड़कर जाना है। अगर हम मोह ममता में फंसे होंगे तो जाना बहुत कठिन हो जाएगा। आत्मा इस देह में उलझ जाएगी और जितना समय उलझी रहेगी, अति कष्ट पाएगी। मोह ममता दुखदाई है, प्यार सुखदाई है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मोह छोड़ दें, बच्चों की पालना कैसे करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मोह और निर्मल प्यार अलग अलग होता है। आत्मिक स्नेह अलग है और ये दैहिक मोह अलग है। मोह का नाता देह से, प्यार का नाता आत्मा से होता है। तो सभी जो निर्मोही बनना चाहते हैं, उन्हें आत्मिक प्रेम धारण करना होगा। इसके लिए साथ साथ आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना होगा। आप जिनसे भी आपको मोह है, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये दृष्टि रखो, ये सब आत्माएं हैं। अब इस अंतिम जन्म में हमारे पास आई हैं, इससे पूर्व जन्म में किसी और परिवार में थी, इससे अगले जन्म में किसी और परिवार में होंगी। अब हम इनके माता पिता हैं, अगले और पिछले जन्म में कोई और रहे हैं। तो इस तरह हमारा आत्मिक भाव बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी निर्मोही होने की। निर्मोही तो बनना है, चाहे प्यार से बन जाएं, चाहे फिर सजा खा कर बने। अभी निर्मोही बनेंगे तो जीवन का सुख मिलेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, दूसरों को भी सुख बांट सकेंगे और योग युक्त होने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज सारा दिन सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ।
इस स्वमान को याद करते हुए सबको आत्मा देखेंगे, घंटे में एक बार अवश्य करेंगे और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर इन सब आत्माओं पर पड़ रही हैं, ये बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। ये बहुत सुखदायी अभ्यास होगा, इससे चित्त को चैन मिलेगी, मन एकाग्र होगा। ओम शांति।